एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। जैसा कि आपको फिगर से भी दिख ही रहा होगा कि एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटर बना हुआ है जिसकी चार साइडें होती हैं। फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, हमें इसके एंगल्स इवेल्युएट करने हैं, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की और डी की वैल्यू। सिर्फ हमें यहाँ पे एक ही रिजल्ट पता होना चाहिए कि इसके जो अपोजिट एंगल हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, एंगल ए का और सी का सम कितना होगा 180 डिग्री, एंगल बी का और डी का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में एंगल ए किसके इक्वल दे रखा है, 4y+20, तो ए की जगह हमने लिख दिया 4y+20 और सी की जगह हमने लिख दिया -4x इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। इवेल्युएट करते हैं, ये वैल्यू बनी 4y-4x, इसको राइट हैंड साइड में लाएंगे माइनस का 20 तो ये वैल्यू बनेगी 160। तो क्लियरली ये पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो पा रही है, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से डिवाइड करने के बाद ये बचेगा वाई, एक्स और 160 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 40 डिग्री। तो आपके पास एक इक्वेशन ये बन गई। यहां से क्या करता हूँ, वाई निकाल लेता हूँ कि वाई इज इक्वल टू कितना हो 40+x। सिमिलरली इक्वेशन टू के अंदर एंगल बी कितना दे रखा है, 3y-5, तो इसकी जगह हमने क्या लिखा 3y-5, और डी दे रखा है -7x+5, तो डी की जगह लिख दिया -7x+5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5 से 5 कैंसिल हो गया, बाकी टर्मों को एज इट इज लिख दिया। एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई और एक इक्वेशन नंबर 3 है। इन दोनों को सोल्व करना है। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड कि y की वैल्यू इक्वेशन 3 से इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो y की जगह क्या लिखेंगे 40+x, जो इक्वेशन 3 से बनी है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 120+3x-7x, इनको इवेल्युएट करेंगे तो ये बचेगा मेरे पास -4x, ये राइट हैंड साइड में जाएगा -120, तो ये वैल्यू बची है 60 डिग्री। -4 से डिवाइड करेंगे तो बना x की वैल्यू -15। अब x की वैल्यू को इंसर्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 40, x की जगह क्या लिखना है हमें -15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 25 डिग्री। अब क्या करते हैं कि इन सभी वैल्यूज को a में, b में, c में और d में लिख देते हैं। तो यहां से क्या आएगा, एंगल ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है 4y+20, वाई की वैल्यू कितनी बनी थी 25, वाई की जगह लिखा 25 और इसे इवेल्युएट कर लिया, तो ये कितना बना 100+20, 120 हो गई एंगल ए की वैल्यू। एंगल बी, बी दे रखा है 3y-5 और वाई की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 25, वाई की जगह 25 रखेंगे तो ये कितना बना 75-5, तो ये हो गया 70 डिग्री। एंगल सी, एंगल सी कितना दे रखा है हमारे पास -4x, एक्स की वैल्यू कितनी है -15, तो एक्स की जगह -15 रखेंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू बन गई 60 डिग्री। एंगल डी, एंगल डी दे रखा है -7x+5, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम -15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 105+5 कितना हो गया 110, तो आपके पास ये चारों के चारों एंगल निकल के आ गए। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के आंसर चेक करना है तो आप देख सकते हो कि एंगल ए और सी दोनों का सम कितना होना चाहिए 180, तो यहां से देखिए इन दोनों का सम कितना आ रहा है आपके पास 180 डिग्री। एंगल बी का और डी का सम भी कितना होना चाहिए 180, ये भी 180 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।